नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। रेलवे की तरफ से एनटीपीसी की वैकेंसी बिल्कुल दरवाजे पे है और इन्होंने घोषणा कर दी है कि 14 सितंबर का आपका फॉर्म फिलिंग चालू हो जाएगा। ऐसे में बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि सर क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी एक नया नई वैकेंसी आती है तो उसके बारे में ये जानना कि क्या इसमें लगभग कट ऑफ जाते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस क्या है, क्या एक बेहतरीन रणनीति से हम अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, क्या हमारे ऐसे स्टेप होने चाहिए कि हमारे सिलेक्शन की गारंटी हो, हम सिलेक्शन निश्चित रूप से ले सकें। क्योंकि आप महीनों मेहनत करते हो, सालों मेहनत करते हो और अंततः अगर सिलेक्शन ना मिले तो उससे बड़ी निराशा शायद नहीं होती। हारा हुआ मन लेके इंसान कहाँ जाए समझ में नहीं आता। और मैं नहीं चाहता कि हमारे साथ जितने भी मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई, मेरी छोटी बहन जुड़ी हैं उनके साथ ये समस्या आए। मैं चाहता हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कोई भी ऐसा पॉइंट ना छोड़ा जाए जो आपके सिलेक्शन में रोड़ा बने। आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लोग बेहतरीन तरीके से हर संभव प्रयास करेंगे। इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि क्या एक बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पिछली बार कट ऑफ क्या था, तो इस बार हम टारगेट क्या रख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस एनालिसिस आपको देख के चलनी ही पड़ेगी और हमें कितना बेहतर तरीके से चीजों को कवर करना है। तो अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब ना किए हो पुराने बच्चे भी तो वो भी कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी वीडियो देखेंगे तो हम लोग को बहुत सारी चीजें इसमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी और सब कुछ आपको जो लक्ष्य आपका है वो थोड़ा सा आसान लगने लगेगा। ये है जो वैकेंसी का डिस्क्लोज किए हैं इन्होंने। लगातार देखा जाए तो वैकेंसीज कम होने की बात चलती रही है। 8113 ग्रेजुएट पोस्ट पे और 3445 अंडर ग्रेजुएट पोस्ट पे, मतलब 11,000 के आसपास इनके पोस्ट हैं। पिछली बार देखा जाए तो 10,628 केवल और केवल इनके पास अंडर ग्रेजुएट पोस्ट पे थे और ग्रेजुएट पोस्ट पे 24,649 थे। मतलब दोनों मिला लिया जाए तो कम से कम इनके पास 35,000 वैकेंसी एनटीपीसी की आई थी वर्ष 2019 में। 5 साल बाद वैकेंसी आई और उसके बाद लगभग एक तिहाई वैकेंसी कर दिए हैं, 1/3 वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात है। और इस बार एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, तो एक बात समझिएगा कि पिछली बार से कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, बच्चों के पास पढ़ने के रिसोर्सेज हैं। इससे पहले इतने ऑनलाइन रिसोर्सेज नहीं होते थे, इतने संस्थान नहीं होते थे जो आपको इतने क्वालिटी मटीरियल दे पाए। अब बच्चों को क्वालिटी मटेरियल मिल रहा है, अब बच्चों को ज़्यादा रिसोर्सेस मिल रहे हैं, तो उनके स्कोर और बूस्ट होंगे। और आप यकीन मानिए, ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरी स्ट्रेटजी समझने से पहले ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। आप एक बार कट ऑफ देखेंगे, पिछला कट ऑफ, उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि पिछली कट ऑफ क्या है। हम लोग इसमें बुक के बारे में, सैलरी के बारे में सब कुछ चर्चा करेंगे, बट एक छोटी सी झलक हम लोग देख लें कि आरआरबी एनटीपीसी किसी भी जोन का देखो, जैसे अजमेर में ये नॉर्मलाइज मार्क्स है लेवल 2 का 73 नंबर, ये आपके जो सीबीटी 1 है, मैं सीबीटी 1 की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपके 40-30-30 मतलब कि आपके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन 100 नंबर में आपका 83 नंबर जाता है लेवल 6 का। ऐसे आप कहीं भी देखोगे किसी भी जोन में तो 75% से ऊपर, 75 से 90% के बीच में आपका कट ऑफ जाता है। इस पर हम लोग जिक्र करेंगे, 86 नंबर 85 नंबर, तो कितना हाई कट ऑफ रहता है और इस हाई कट ऑफ को हम लोग पहुंच, क्योंकि इस बार कट ऑफ और हाई ही जाएगा, कम नहीं जाएगा। तो एनटीपीसी जो हल्के में ले रहे हैं, एक बहुत बड़ी वैकेंसी, और रेलवे की वैकेंसीज अपने आप में यकीनन बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें सैलरीज बहुत अच्छी मिलती है। जैसे अगर मैं थोड़ी देर के लिए सैलरी पे चर्चा कर लूँ, एक बार आप इसे देखेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने सारे पोस्ट का, जो भी आपके पोस्ट आने वाले हैं लेवल 2 से लेकर लेवल 6 था, मैं सब कुछ यहाँ पे, आपका इनिशियल पे, बेसिक पे है, डीए है, एचआरए है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है, टीए है, किलोमीटर अलाउंसेस, और किलोमीटर अलाउंसेस रेलवे की दो वैकेंसीज, खासकर एक आपका एनटीपीसी में गुड्स ट्रेन मैनेजर वाला पोस्ट है और दूसरा एएलपी का पोस्ट है, जहां पे एक्स्ट्रा मिलता है। और इसके कारण बच्चों को जो सैलरी मिलती है वो 1-1 लाख तक सैलरी मिलती है। देखिए, अगर एक सिटी में है तो 90,000 में लिख रखा हूं, 90,000 सैलरी है पहली सैलरी। और मैंने ऐसे भी बच्चों की सैलरी स्लिप देखा है जिसमें पहली सैलरी नेट अमाउंट, ग्रॉस नहीं, नेट अमाउंट मतलब जो इन हैंड सैलरी आई है वो 1,12,000 तक आई है। ऐसे में सैलरी स्लिप आपको दिखा दूंगा। तो जब आपको 64,000, 76,000, 90,000, 54,000, 55,000 आपको सैलरी मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि रेलवे के जॉब के टक्कर में कोई हो नहीं सकता, और इसीलिए हमें अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बनाना पड़ेगा। हालांकि ये सारी स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि टीम परीक्षा प्लस आप सभी के लिए एक बहुत बेहतर टीम, जिसमें मैं खुद आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूंगा, आप आशीष सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे होंगे, रमन सर आपको जीके जीएस का पार्ट देख रहे होंगे, आपके सर्वे सर हैं ये भी आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ा रहे होंगे, जो कोर जीएस है आपको फहीम सर पढ़ा रहे होंगे, साइंस ज्योग्राफी का पार्ट आपके नवीन सर, तो आपका देखो जीएस 40
नंबर है तो जीएस में मैंने आपको चार फैकल्टी दे दिया है, मैथ्स और रीजनिंग में मैथ्स मैं हूँ, मेरे साथ आपको महबूब चौधरी भी सर मिलेंगे, मैं इसमें दो फैकल्टी लगाऊंगा, एक तो मैं रहूंगा और एक महबूब चौधरी सर रहेंगे, वो भी आपको एडवांस पोर्शन अच्छे से कवर करा रहे होंगे। ऐसे आशीष सर रीजनिंग तो बहुत बेहतर टीम के साथ, और आप ये समझिए कि इसमें आपको लाइव क्लासेस, लाइव के साथ साथ उनके रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में आपको जो क्लास के नोट्स होते हैं उनकी पीडीएफ, जो आपके बुकलेट नोट्स होते हैं, जैसे बुकलेट नोट्स आपको दिखा दूं कि ये आपकी पूरी किताबें होंगी, ये सारी किताबें आपको सारे सब्जेक्ट के मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, जीएस जो जीके हो, स्टैटिक जीके हो, सब कुछ आपको मिलेगा। साथ में हम आपको ये सारी ईबुक भी ये आपको परीक्षा प्लस ऐप पे ही अवेलेबल करवाएंगे। जो किताबें आप मार्केट में 800-900 हज़ार रुपए के ढूंढते रहते हो, वो किताबें आपको परीक्षा प्लस ऐप पे ही मिल जाएगी। तो ये समझिएगा कि ये टीम परीक्षा प्लस बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी करा रही है। साथ में हम लोग इसी चैनल पर, परीक्षा प्लस ऑफिशियल चैनल पर, शाम को 6 बजे साइंस की आपकी प्रीवियस ईयर और स्पेशल सेशन लेके आते हैं, साइंस के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा कर सकें। 7 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास होती है, 8 बजे हम लोग मैथ्स और रीजनिंग लेके आ रहे हैं। तो एक बेहतर तैयारी आपकी हो रही है, लेकिन ये तैयारी तब फायदेमंद होगी जब आप डेडिकेटेड होगे, जब आपके दिमाग में ये ध्येय होगा कि नहीं भाई, एक हमारे सामने बहुत बेहतर वैकेंसी है। मैं मानता हूं कि पदों की संख्या कुछ कम है, लेकिन एएलपी की बढ़ी, टेक्नीशियन की बढ़ी, हो सकता है कि आपके एनटीपीसी की भी बढ़ जाए, थोड़ा प्रेशर पड़े, और ऐसा ये मान के ही चलिए कि थोड़ा बहुत वैकेंसी बढ़ सकती है, क्योंकि एक न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी और इन्होंने ओवरऑल वैकेंसी देखा जाए तो ये लेवल 2 और 3 के ही 3,445 और लेवल 4, 5, 6 में 16,154 वैकेंसी की बात हुई थी, मतलब लगभग 20,000 वैकेंसी। तो वैकेंसी बढ़ सकती है, अभी हम उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बट वैकेंसी बढ़ सकती है। तो अभी से तैयारी नहीं करोगे, निराश बैठे रहोगे, तो इस आप अपने आप को पीछे ही ढकेलते जाओगे। इसका मतलब कि आप अपने आप को कॉम्पिटिशन से बाहर कर लो, कॉम्पिटिशन में बने रहना है तो आपको तैयारी बेटर करना है, और किस प्रकार से तैयारी बेटर करना है उसे एक एक चीज़ को हम लोग समझते हैं और ये समझेंगे हमें आखिर परीक्षा में पूछा क्या जाना है। इससे पहले एलिजिबिलिटी की सारी बात कर दी है, एलिजिबिलिटी वाली वीडियो बना दी थी, वहां पे आप लोग देख लीजिएगा कौन एलिजिबल है। 18 से 33, 18 से 36 दोनों अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट वाले पोस्ट में है। आप केवल एज देखिए, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में केवल आपका अंडर ग्रेजुएट में 12th होना चाहिए और ग्रेजुएट में ग्रेजुएशन होना चाहिए, काम खत्म। बस आते हैं मेन है CBT 1। पहले इससे पहले क्या था, इससे पहले आपका CBT 1 सारे पोस्टों के लिए अलग होता था। इस बार इन्होंने क्या कहा है, इस बार इन्होंने दो अलग अलग नोटिफिकेशन निकालने की बात की है। एक इन्होंने बोला है कि अंडर ग्रेजुएट वाले का अलग नोटिफिकेशन निकालेंगे और ग्रेजुएट वाले का अलग। इसका मतलब कि अंडर ग्रेजुएट वालों का CBT 1 अलग होगा और ग्रेजुएट वालों का CBT 1 अलग होगा। इससे बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि नुकसान होगा, जबकि मेरे नजरिए से इसका नुकसान नहीं होगा, इससे फायदा होगा। क्योंकि पहले क्या था, पहले उसी CBT 1 जब एक ही होता था तो सारे बच्चे ही वहां पे बैठते थे, तो ऐसा जो केवल अंडर ग्रेजुएट वाला पोस्ट थी उन बच्चों का नुकसान हो जाता था, 12th वाले बच्चों का नुकसान हो जाता था, क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी बैठते थे। और नो डाउट अगर मैं केवल 12th पास बच्चे की बात करूं, जो भी 12th पास करके आया है, और एक ऐसा बच्चा जो ग्रेजुएशन पास करके आया है, तो उसका ग्रेजुएशन वाले का लेवल 12th वाले के लेवल से कहीं ज्यादा रहेगा। अब क्योंकि 12th वाले लेवल पे ग्रेजुएशन वाला फॉर्म तो भर सकता है, नो डाउट, बट अगर ग्रेजुएशन वाले की बात करें तो वहां पे 12th वाला बच्चा नहीं आ पाएगा और वहां पे ग्रेजुएशन वाले बच्चों को भी एक कम कंपटीशन देखने को फायदा मिलेगा। दूसरी बात, जब ये CBT 2 होगी, तो पहले क्योंकि क्या होता था, CBT 1 पहले कॉमन हो जाती थी सभी की और CBT 2 सबकी अलग अलग होती थी, तो CBT 2 में जो लेवल 6 वगैरह की होती थी कट ऑफ बहुत हाई चली जाती थी, क्योंकि सेम वैकेंसी होती थी तो उन्हें करना होता था सबसे ऊपर से बच्चों को छाट लेना होता था लेवल 6 के लिए, फिर लेवल 5 के लिए, फिर लेवल 4 के लिए, लेवल 3 के लिए, ऐसे करना होता था। लेकिन अब क्योंकि लेवल 6 वाले का नोटिफिकेशन अलग है, उसमें 12th वाले बच्चे नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कट ऑफ पे क्वेश्चन मार्क लगे, बट फिर भी हम इसे सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि कट ऑफ कम ही जाएगा, कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस अभी भी हैं। तो अभी तो हम ये नहीं सोच के चलेंगे कट ऑफ हल्का जाएगा कम जाएगा, वो डिपेंड करेगा पेपर कैसा आता है और किस प्रकार के बच्चे बैठते हैं और फॉर्म कितने आवेदन होते हैं। लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भाई वैकेंसीज की संख्या कम नहीं है और लगभग 50 से 60 लाख से कम तो फॉर्म नहीं पड़ने चाहिए, जिस प्रकार से देखा जाए एएलपी और टेक्नीशियन में ही, जहां पे स्पेशल डिग्री आपसे आईटीआई और डिप्लोमा मांगता है, वहां पे 20-21 लाख फॉर्म पड़े हैं, तो फिर एनटीपीसी में सिंपल ग्रेजुएट है 50 लाख से कम तो फॉर्म किसी तरीके से उम्मीद हम लोग लगा ही नहीं सकते हैं। तो कॉम्पिटिशन आपका ज्यादा है, अब ऐसे कॉम्पिटिशन में आपको कैसे, आपको किस प्रकार से आपको सिलेक्शन लेना है, जैसे मैंने आपको कट ऑफ दिखाया ही, अभी आपको मैं कट ऑफ और डिटेल में दिखाता हूं। उससे पहले आप अभी CBT 1 का पैटर्न देख लो, CBT 2 में केवल इससे जैसे जीएस में 10 क्वेश्चन बढ़ता है, मैथ्स में आपका 5 क्वेश्चन बढ़ता है और रीजनिंग में 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ता है। CBT 1 में 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना होता है,
40 क्वेश्चन जीएस जीके के होते हैं, जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, 30 क्वेश्चन मैथ के होते हैं और 30 क्वेश्चन रीजनिंग। और मैं आपको बता दूं कि एसएससी की मैथ्स, एसएससी की रीजनिंग, एसएससी की जीके जीएस में कोई ऐसी टॉपिक है ही नहीं जिसे आप छोड़ के चल पाओ। मतलब आपको सारी टॉपिक पढ़नी है, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो मिसलेनियस टॉपिक हो, हर टॉपिक किस शिफ्ट में कहां से क्वेश्चन आ जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसके लिए हमें अपने सारे हथियार पहने करने पड़ेंगे, हमें अपनी सारी तैयारी बेहतर करनी पड़ेगी। हमारे पास मेहनत के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। अगर आप रेलवे में, एनटीपीसी में नौकरी चाहते हो, बढ़िया सैलरी वाली नौकरी चाहते हो, अपने लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो, तो आपके पास केवल और केवल एक विकल्प है कि आपको मेहनत करना है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे मेरी बातों को अदरवाइज लेके मजाक समझेंगे, मजाक बनाएंगे, मजाक कमेंट में मजाक मजाक खेलेंगे और फिर अपने साथ क्या करेंगे, बुरा करेंगे। वहीं पर कुछ बच्चे होंगे जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे होंगे, जो अपना अपना पोजिशन जो 10-11 हज़ार वैकेंसी आ रही है उसमें बनाएंगे और वो सीरियसली मेरे बात को सही लेके सीरियस लेके और अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हो, आपकी जो मंजिल है वो आज आपने क्या चुना है उस पे निर्धारित होती है, ये बात समझिएगा। तो हमें भाई इसमें स्कोर करना है और इसमें स्कोर करने के लिए देखिए मैथ स्कोरिंग पार्ट है, रीजनिंग स्कोरिंग पार्ट है, तो हमें हथियार तीन विषय पर बनाना पड़ता है। क्या हमें हमें अपना जो सबसे मूल मंत्र है नंबर उठाने का, एक मैथ्स हो गया, एक रीजनिंग हो गया और एक आपका क्या हो गया, एक आपका साइंस हो गया, एक आपका क्या हो गया, साइंस हो गया। इस तीन विषय को सबसे ज्यादा आपको समय देना है। क्यों? क्योंकि इस तीन विषय के रेंज है। रेंज मतलब कि आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए, आप एक बार क्वेश्चन को लगाना सीख गए तो आप उसे 10 बार भी लगा लोगे। लेकिन जीके जीएस में ये जरूरी नहीं है कि आपने एक चैप्टर पढ़ लिया तो उससे सारे क्वेश्चन कर लो, उसका रेंज बहुत बड़ा है, उसे आपकी गारंटी नहीं है कि आप उसमें स्कोर अच्छा कर ही पाओ। जैसे साइंस में ये क्या बोलते हैं, ये 10th स्टैंडर्ड तक एनसीईआरटी बोलते हैं। तो अगर कोई बच्चा पेशेंटली एनसीईआरटी पढ़ लेता है तो ये मान के चलो अगर उसकी एनसीईआरटी 10 तक की तैयार है, और 10 तक मतलब यानी कि 6, 7, 8, 9, 10, आप केवल 9th और 10th की एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके साइंस में अच्छे मार्क्स उठने के 99.99% चांसेस हो जाते हैं। मैथ्स में आप सारे चैप्टर, आप चाहे बेसिक हो, चाहे अल्जेब्रा हो, चाहे आपका एडवांस हो, चाहे आपका अरिथमेटिक हो, अंकगणित हो, सब अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके स्कोर यहां से बूस्ट होंगे। और रीजनिंग तो हर बच्चा अच्छा बूस्ट करता ही है, और केवल इन तीन के बदौलत मैं आपको बता दूं कि आप यहां पे कम से कम 80 क्वेश्चन पे क्या कर लोगे, 80 क्वेश्चन पे अपनी मजबूती बना लोगे। तो हमारी रणनीति यही होनी चाहिए, हमारा तीन सब्जेक्ट ही और बाकी सब्जेक्ट अलग, क्योंकि इसके अलावा सब्जेक्ट कौन से, इसके अलावा आपके हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स है, उसके बाद आपका जीके है, उसके बाद आपका स्टैटिक मतलब जीके मतलब स्टैटिक जीके, फिर आपका करंट अफेयर्स है, फिर आपका मिसलिनियस है, तो वो भी अलग हैं जो शायद उतना ही मेहनत ले जाएंगे जितना मैथ्स और रीजनिंग और साइंस में समय लगेगा। तो आपको यह मान के चलना है कि तैयारी को 2 पार्ट में डिवाइड करना है और इस पोर्शन पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है अगर आपको एनटीपीसी में नौकरी पाने का सपना है, रेलवे में नौकरी पाने का सपना है और उस सपने को साकार बनाना चाह रहे हो। जैसे अगर एक बार सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आपका वही मैं बोल रहा हूं कि कुछ भी नहीं छूटा है, एलिमेंट्री अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक है, ट्रिग्नोमेट्री है, सब कुछ पूछता है, ऐसे रीजनिंग में भी सब कुछ पूछता है। और अगर आप जीएस देखोगे जनरल अवेयरनेस तो इसमें तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, इसमें तो ये सारी चीजें ही रख दिया है, मतलब आपको सारी की सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। एक बार हम लोग कट ऑफ पे आते हैं, क्यों मैं इतना आपको आपको लग रहा कि सर डरा रहे, मैं सर डरा नहीं रहे बेटा, ये मैं आपसे बोला ना कि आप इसे किस तरीके से लेते हो आप पे डिपेंड करता है, मैं आपको वास्तविकता दिखा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्यों मतलब समझ में नहीं आता, ज्यादा कमेंट पे ध्यान नहीं देना चाहिए या ऐसे तब तो होते हैं, बट मेरा क्या है, मैं गुरु हूं, मैं आपका बड़ा भाई हूं, तो मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा गलत दिशा में गलत मार्गदर्शन ना पाए, वो गलत दिशा अगर जा रहा है तो उसे रोकना, उसे सही दिशा दिखाना मेरा कार्य है, और इसीलिए मैं कमेंट पे ध्यान देता हूं। आप लोगों को लगता है कि मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ दिखा रहा हूं, अभी एग्जाम नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई चीज तैयारी करते हो तो आप उसका इतिहास खोजते हो, कभी भी आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाते हो तो डॉक्टर आपका क्या पूछता है, हिस्ट्री पूछता है, इतिहास पूछता है, आपकी क्या बायोलॉजिकल हिस्ट्री पूछता है कि आपको कौन सी बीमारी रही है, आपके फैमिली में कोई डायबिटिक तो नहीं है, आपके फैमिली में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, क्यों, क्योंकि वो आपके पीछे आपके भूत से आपके फैमिली के उससे आपकी चीजें वो जानना चाहता है क्योंकि उससे रिलेशन होता है। सिमिलरली पिछले कट ऑफ से आपके आने वाले जो एग्जाम होने वाला है आपको किस प्रकार से मेहनत करना है वो सीधा संबंध डिपेंड करता है। तो आप ये समझो, मैं आपको बस इतना, चाहे आप एससी कैटेगरी का देखोगे, एसटी देखोगे, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अरे आप छोड़ो, आप एसटी कैटेगरी का देखो, बाकी कोई भी एग्जाम ले लोगे। जबकि अजमेर में एक नॉर्मल गया था, अभी आप यही कहां पे देखोगे, प्रयागराज में देखोगे, इलाहाबाद में देखोगे, तो
एसटी कैटेगरी का कट ऑफ देखो 73 नंबर गया है लेवल 6 का, मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ पे कोई कैटेगरी वाला बच्चा भी नहीं बचा है। यहाँ पे कितना हाई कट ऑफ जाता है, कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन है, आप खुद सोचो कि आप जब राज्य स्तरीय परीक्षा देते हो जहां पे 50,000-60,000 वैकेंसी होती है, वहां पे 30-35 लाख बच्चा बैठता है, या आप तब जाके आपका कट ऑफ 75-80% पहुंच जाता है। तो यहाँ पे तो ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग राज्य में, और कौन से राज्य की तुलना किससे किया जा सकता है हम कह ही नहीं सकते। कुछ राज्य जैसे आपके बिहार हो गए, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, जैसे राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, आपके मुंबई हो गए, इन सारे राज्यों से देखा जाए तो बच्चे तो मतलब जो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन करने वाले बच्चे, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, इन्हीं जो आपकी सेंट्रल इंडिया है इन्हीं में पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो कॉम्पिटिशन को बढ़ा रहे हैं, कट ऑफ को हाई कर रहे हैं, तो इसे आपको देखना जरूरी है। जैसे आप चंडीगढ़ जोन वाले बच्चे आप देख लो कहां पे कट ऑफ जा रहा है, रांची वाले देखो 85-70, ये सब अगर आप लेवल 6 का देखोगे, आप लेवल 2 का भी देखोगे तो एसटी में 53 में, इसलिए क्योंकि सबसे कम इनका माना जाता है, और अनरिजर्व में देखोगे तो 71 रांची में, ऐसे मालदा जहां पे जनरली लोगों की नजर नहीं जाती है लेवल 6 में 84 गया है, लेवल 2 में 69-70 गया है, ऐसे हालांकि डिपेंड करता है किस जोन में कौन सी वैकेंसी। जैसे पिछली बार ये आपका जो तिरुवनंतपुरम था ये थोड़ा सा ग्रीन जोन में था, मतलब यहां पे कट ऑफ थोड़ा कम था, लेकिन इतना भी कम नहीं था। आप देखो 69.73 लेवल 6 में है, लेवल 2 में 60.04096, ये नॉर्मलाइज नंबर है, सभी के बढ़ने के बाद का नंबर है, लेकिन अगर नॉर्मलाइज बढ़ा होगा तो कितना बढ़ा होगा, 100 नंबर की बात है, 12-13 नंबर बढ़ा होगा, अगर 70 में से हम 12-13 नंबर हटा दें तो भी 58-60 नंबर तो है। आपको क्या लगता है कि 58-60 नंबर लाना इतना आसान है? नहीं आसान है। फिर नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में फायदा मिल रहा है, कितना फायदा मिल रहा है, उसका एवरेज स्कोर क्या है, उस पर डिपेंड करता है, और ये सब कुछ कहीं ना कहीं एक लक पे भी डिपेंड करता है, तो इसलिए हमें अपनी तैयारी ज्यादा बेहतर से बनानी पड़ेगी। अगर ऐसे ही आप अन्य जोन का देखो, जैसे जम्मू का देखोगे तो जम्मू का आपका कट ऑफ ही है, एक बार आप इत्मीनान से देखने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप मुंबई का देखोगे तो मुंबई का कट ऑफ आपका ये है, आप पटना का देखोगे तो पटना का भी हाई कट ऑफ ही, और पटना में लेवल 3 कैसा था जो सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ, मतलब कि 83 सबसे ज्यादा लेवल 3 में सबसे ज्यादा कट ऑफ कहां पे गया था, पिछली बार पटना में ही गया था। अगर हम ऐसे देखें सिकंदराबाद में तो ये भी हाई कट ऑफ जोन, मतलब इसमें हाई और लो कट ऑफ जोन क्या मैं बोलूं, इसमें तो मैं ये बोलूंगा कि सारे कट ऑफ सारे जोन तो हाई वाले ही होते हैं, एक आध को छोड़ दो। जैसे यहां पे सिलगुड़ी में 56 नंबर गया था लेवल 2 में, जैसे आप देखोगे चेन्नई में अगर 57 नंबर गया था लेवल 2 में, है ना, तो ये थोड़े बहुत आपके कम है। जैसे आप गुवाहाटी में देखोगे लेवल 2 में 55 गया था, लेवल 2 और लेवल 5 के सबसे कम जो आपका कट ऑफ गया था वो गुवाहाटी में ही गया था, ठीक है। और लेवल 6 का सबसे ज्यादा कहां गया था, वहां पे प्रयागराज में गया था। भोपाल का आप देख लो, गोरखपुर का आप देख लो, बेंगलोर का आप देख लो, सारे के सारे कट ऑफ। तो इसीलिए मैंने आपका एक बहुत अच्छा टेबुलेशन बना के कि भाई पिछले हाईएस्ट जो कट ऑफ जोन वाले हैं, लेवल 2 प्रयागराज में गया था, लेवल 3 पटना में गया था, लेवल 5 प्रयागराज गया था, लेवल 6 प्रयागराज। तो प्रयागराज तो भाई वैसे ही बहुत हाई कट ऑफ वाला जोन है, सबसे ज्यादा तैयारी करने वाले बच्चे यहीं मिलते हैं, यहां प्रयागराज या पटना दो ही बोल सकते हो कि सबसे बड़ा हब है, तीसरा आपका मुखर्जी नगर दिल्ली है, तो दिल्ली का कोई जोन होता नहीं है, वो अलग में ही आता है। ऐसे लोवेस्ट कट ऑफ जोन में गुवाहाटी होगा, तिरुवनंतपुरम हो गया, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम, ये दो जोन पिछली बार क्या गया था, लो कट ऑफ जोन में गया था। तो भाई अभी आप यहाँ पे हाई और लो कट ऑफ जोन पे इतना फोकस मत करो, ज्यादा फोकस आपको करना है कि आपको फिलहाल तैयारी करना है, और आपको तैयारी किस पे करना है, आपको तैयारी इस सिलेबस पे करना है। तो सिलेबस पे तैयारी करने के लिए आप सबसे बड़ी बात है दिमाग में आता है, सर क्या ऐसा पढ़ लें कि हमारा गारंटी हो जाए। तो मैंने आपसे बोला ना कि आप तीन चीज पे फोकस करो, और मैथ्स के लिए आप सबसे ज्यादा क्या करोगे, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो। आप लोग तमाम लोगों की किताबों पर डिपेंडेंट रहते हो कि ये किताब वो किताब, मैं आपसे बोलूंगा कॉन्सेप्ट के बाद आप केवल प्रीवियस ईयर की कोई किताब लगा लो, आप किरण लगा लो, आप यूथ लगा लो, और जितना हो सकता है, जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये किताब है, इसलिए मैंने ये सारी ई बुक आप लोगों को परीक्षा प्लस ऐप पर ही अवेलेबल करवा दिया। जैसे अगर आप यहां पर मैं रीजनिंग की बात करूं और मैथ्स की बात करूं, तो रीजनिंग में 16,180 प्रश्न दिया हुआ है यूथ कॉम्पिटिशन। आपको क्या लगता है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट मजबूत है और 16,000 प्रश्न आप लगा लिए तो आपसे कोई रीजनिंग का क्वेश्चन बचेगा? किसी कीमत पे नहीं बचेगा, आप सारे के सारे क्वेश्चन धुआं धुआं कर दोगे अगर आप केवल इस किताब को लगा लेते हो। ऐसे ही अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, यहां पे 16,706 प्रश्न इसी यूथ में कितने हैं, तो आपको किसी किताब को लगाने की जरूरत नहीं, ये सारे क्वेश्चन एक किसी पब्लिकेशन की नहीं है, बस इस पब्लिकेशन ने जो प्रीवियसली पूछा गया है उन प्रश्नों का संग्रह सॉल्यूशन के साथ दे दिया है। तो आप इन्हें
कर लेते हो, पहली बात कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए रीजनिंग और मैथ में, उसके बाद अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको तीसरी किताब छूने की जरूरत ही नहीं है, आप इस पे केवल महारत हासिल कर लो। अगर आपको साइंस मजबूत करना है, आप केवल ये नाइन्थ की हो गई, ये टेंथ की हो गई, और बहुत ज्यादा अगर आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से मजबूत है तो आप लूसेंट कवर कर लो बस, और अगर नहीं है, तीनों नहीं कवर है, तो पहले आप ये नाइन्थ और टेंथ की एनसीईआरटी बिल्कुल घोल के पी जाओ। आपका स्कोर मैं बता रहा हूं कि अगर इतना काम कर लिए, मैथ और रीजनिंग का कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, ये दोनों यूथ लगा लिए, और ये आपने क्या कर लिया, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिया, और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ने के बाद आप इसी यूथ का जो सामान्य विज्ञान है 14,415 प्रश्न लगा डालिए, इतना कर लेंगे तो आपके 100 में से 70 नंबर कहीं नहीं गए हैं केवल इतने मात्र से। बाकी जो 30 नंबर हैं, क्योंकि 30 नंबर आप जितना एक्यूरेसी मेंटेन करोगे मैथ्स रीजनिंग और साइंस में थोड़े बहुत उसमें बढ़ेंगे, बाकी आपके जीके जीएस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो मैं आपको जीके जीएस में यह सजेस्ट करूंगा कि बहुत ज्यादा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि आप स्टैटिक जीके पढ़ो, और उसमें एक रुक्मणी कई सार संग्रह 28,000 है, आप इसे पढ़ सकते हो। यहां पे स्टैटिक जीके ये वाली किताब आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है, या फिर घटना चक्र की भी स्टैटिक जीके आई थी रेलवे के लिए, यह भी बहुत बेहतर तरीका है, बहुत बेहतर है, उसे भी आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और इसके साथ साथ जो आपके परीक्षा प्लस के नोट्स हैं, ये आपके डेडिकेटेड एनटीपीसी के लिए, ये पूरी किताब ईबुक आपको दी गई है सिलेबस कोर्स में ही, जो मात्र 199 में है, इसे आप कर सकते हो। तो इसीलिए टीम परीक्षा प्लस आपके लिए मात्र 199 रुपए में सारे कोर्सेस, चाहे वो आपके एनटीपीसी हो, चाहे आपका कोई भी कोर्स हो, वो सारे के सारे रेलवे के कोर्सेस मात्र 199 में आप ले सकते हो, जिसमें सब कुछ आपको दिया जा रहा है मिनिमम प्राइस में। आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करोगे, आप पेड कोर्सेस में जाओगे, एनटीपीसी आपको दिखे, पेड कोर्स में क्लिक करोगे, ऊपर भी दिखेगा, पेड कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपका कोर्सेस आएगा, और बाय नाउ करोगे तो आपका ये ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें तमाम सारी चीजें आपको फोल्डर वाइज सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, और पीडीएफ नोट सेक्शन में ये सारी किताबें आपको मिलेंगे। यही नहीं, हम लोग अगर इसी टाइप में देखोगे ना, तो आपका ये सबसे नीचे, इसके नीचे आपका क्या मिलेगा, इसके नीचे आपका मिलेगा ईबुक सेक्शन, हमने यहां पे एक नीचे सेक्शन आएगा ईबुक सेक्शन अपडेट करवा दिया। तो ये जो किताबें आपको यूथ वाली 700-800-900 रुपए में मिलती हैं, ये किताब आप 10-10-20-20 रुपए में ईबुक सेक्शन में आप अपना ईबुक के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो, और उसे धीरे-धीरे लगाते जाओ। साथ में हम लोग जो आपको क्या करा रहे हैं, हम लोग आपको जो शाम को 6 PM वाली क्लास करा रहे हैं, 6-7-8 PM वाली, इसमें हम सारी, चाहे यूथ की किताब हो, चाहे आपकी कोई निखिल की किताब हो, चाहे आपकी घटनाचक्र की किताब हो, ये सारी किताबें हम लोग इसमें सम्मिलित करेंगे क्लास में। सबसे पहले प्रीवियस ईयर हम पेपर वाइज सॉल्व करवाएंगे, और एक एक चीज में सॉल्व करवा देंगे, तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो और इस वाली क्लास से प्रैक्टिस कर लो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, और हो ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन कोई रोक ले। तो उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ज्यादा मदद मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी कर रहा है तो आप लोग लाइक अवश्य किया करिए, अपने कमेंट अवश्य किया करिए, साथ में अगर कोई डाउट आपका बचा हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एक एक बच्चे का मैं रिप्लाई देता हूं, आपको खुद पता होगा जो बच्चा कमेंट करता होगा परीक्षा प्लस के इस यूट्यूब चैनल पे। और साथ में परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करिए, जिसके लिंक जो है इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लगी हुई है, और यहां से आप कोर्सेज जुड़ सकते हैं। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।